हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे माय नेम इज आशीष गिरी आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बोटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थियोरोटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी जिसे हम माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एंड क्लासिकल बोटनी के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं लगभग सेवेंटी वीडियोज़ कवर कर चुका हूँ अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्ले तक पहुँच जाएंगे स्टूडेंट इस सेमेस्टर से जितने भी बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं कवर कर रहा हूँ आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड से लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में चैप्टर नंबर सेकेंड है आपका माइक्रोबियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जिसके अंदर आप माइक्रोबियल टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट माइक्रोस्कोप और एग्जाम पेपर में कई बार ये दो नंबर में या पांच नंबर में पूछा गया है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेडिंग डालीजिए लाइट माइक्रोस्कोप सबसे पहले आपको समझना होगा कि माइक्रोस्कोप क्या होता है कितने प्रकार का होता है तो माइक्रोस्कोप का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है आकार है उसको बड़ा करके दिखाता है अब देखिए हमारी जो आंखें होती हैं वो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को नहीं देख पाती है हमारी आंखों की भी एक लिमिटेशन होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस पेन को ध्यान से देखिए इस पेन को मैं जितना करीब लाता रहूँगा इसको जितना आप करीब अपने आंख के करीब लाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये पेन बिल्कुल धुंधला दिखाई देने लग जाएगा यानी कि स्टूडेंट हमारी जो ह्यूमन आई होती है उसका एक एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो 25 सेंटीमीटर तक आप देख सकते हैं जो इसका नियर पॉइंट होता है यानी किसी वस्तु को हम 25 सेंटीमीटर से इसको बड़ा करके देख सकते हैं यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं कैसे मैं एक बार फिर से आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ अभी देखिए ये पेन का जो साइज़ है आपको बिल्कुल छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन जैसे जैसे इसे मैं आपके आंखों के करीब लाता रहूंगा लाता रहूंगा लाता रहूंगा लाता रहूँगा इसका साइज बढ़ता रहेगा आप इसको प्रैक्टिकली भी खुद से करके देख सकते हैं लेकिन हमारी आंखों की एक मैंने कहा लिमिटेशंस होती है ये जो माइक्रोस्कोप होता है इसके जरिए हम बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत करीब से यानी कि लगभग आप यहां पर कह सकते हैं कि दो गुना मैग्निफाई करके हम उसको देख सकते हैं ये पावर होती है माइक्रोस्कोप की माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें सिर्फ एक लेंस होता है उसमें हम एक ही लेंस की मदद से देखते हैं एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसके अंदर काफी सारे एक से अधिक लेंसेज होते हैं आज जो हम पढ़ रहे हैं वह लाइट माइक्रोस्कोप या जिसे हम कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप के नाम से भी जानते हैं ये एक सिंपल स्ट्रक्चर वाले माइक्रोस्कोप होते हैं जो सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं अगर आपके लेबोरेटरी में डेफिनेटली आपने अपने लेबोरेटरी में देखा होगा अगर आप लोग बोटनी या जुलोजी का प्रैक्टिकल कर रहे होंगे कॉलेज के अंदर तो वहां पर यह चीजें आपको मिल जाती है अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें स्टूडेंट तो इसके अंदर कंडेंसर लेंस होता है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसके अंदर ओक्यूलर लेंस होता है ठीक है अब हम यहाँ पर धीरे धीरे सभी चीज़ों को देखने वाले हैं कि कंडेंसर लेंस का क्या काम होता है अभी मैं डायग्राम की मदद से भी समझाऊंगा कि कैसे ये किसी ऑब्जेक्ट का जो आकार है कैसे वो बड़ा करके दिखाता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं ये जो हमारा कंडेंसर लेंस होता है यह प्रकाश की किरणों को संकलित यानी एक तरीके से उसे इकट्ठा करके स्पेसिमन पर फोकस करता है जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी साथ साथ डायग्राम की मदद से भी समझा देता हूँ देखिए लाइट माइक्रोस्कोप बेसिकली इसे लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक लाइट का सोर्स यूज कर रहे हैं जैसे कि वो सनलाइट भी हो सकता है यानी कि सूर्य की किरणें भी वो लाइट का, का काम कर सकते हैं एक लैंप भी यानी कि हम अपनी तरफ से कोई आर्टिफिशियल लैंप का भी यूज कर सकते हैं अब ये जो लाइट की मदद से स्टूडेंट यहाँ पर एक कंडेंसर लेंस होता है ये इस लाइट की किरणों को इस ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है अब यहाँ पर फोकस होने के बाद इसके ऊपर रहता है एक ऑब्जेक्टिव लेंस और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हमारी ओक्यूलर लेंस होता है ठीक है तो इसी के बारे में बातचीत हो रही है कि ये जो कंडेंसर लेंस होता है स्टूडेंट ये प्रकाश की किरणों को एक तरीके से संकलित करके स्पेसिमेन पर फोकस करता है इसके जस्ट ऊपर रहता है स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस ये लेंस क्या काम करता है यह है स्पेसिमेन अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे सर ये स्पेसिमेन क्या है तो आपने जो भी सैंपल ले रखा हो चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो फंजाई हो चाहे वो एल्गी हो चाहे वो ब्रायोफाइटा हो कोई भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो कि आपने स्लाइड पर लिया हुआ है एक तरीके से उसी को हम स्पेसिमेन बोल रहे हैं ठीक है अब ये क्या करेगा यह स्पेसिमेन या वस्तु का जो प्रतिबिंब है एक तरीके से जो उसका रिफ्लेक्शन बना करके उसे मैग्निफिकेशन करता है यानी उसको आवर्धित करता है अच्छा मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है ठीक है ध्यान रखना उसका साइज इंक्रीज करके दिखाता है उसको मैग्निफाई करने में हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव लेंस इसके बाद नंबर थर्ड पर आती है ऑक्यूलर लेंस इसका काम भी यही होता है ये और भी ज्यादा बड़ा करके दिखाती है इसलिए हम छोटी सी छोटी चीजों को बहुत बड़े आकार में देख सकते हैं और बहुत ही डिटेल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है अब यहां पर कुछ एडिशनल पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं हम लोग स्टेनिंग क्यों करते हैं आपने देखा होगा या आपने प्रैक्टिकल में जरूर ऑब्जर्व किया होगा अगर आप किसी अच्छे या रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपने स्लाइड से किसी एलगी का या किसी बैक्टीरिया की स्टेनिंग की होगी अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने भी ट्रांसपेरेंट सेल्स होते हैं स्टूडेंट वो लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती जिसकी वजह से वो विजिबल नहीं हो पाती तो ऐसे में हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए हम स्टेनिंग करते हैं स्टेनिंग करने से हमें वो क्लियरली दिखाई पड़ने लग जाती है ठीक है तो स्टेनिंग का ये फायदा रहता है उसको और भी ज्यादा ये मैग्निफाइम करता है यानी कि प्रथम प्रतिबिंब का आवर्धित यानी कि उसे बड़ा करके आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है यानी उसे मैग्नीफाइंग करता है और इस प्रोसेस के लिए स्टूडेंट जो उपयोग में लाने वाले लेंस होते हैं वो एवर्णक या एक्रोमेटिक लेंस होते हैं प्लेनेटिक रहते हैं, या हैं right? है, है. तो यानी करके आवर्धन उपलब्ध होता है यानि किसी चोटी सी चोटी को आप दो गुना तक बड़ा कर सकते हैं उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं बट स्टूडेंट ऑयल इमर्जन टेक्निक के द्वारा आप इसमें जीरो माइक्रोन आकार की वस्तुओं को भी देख पाना संभव रहता है ठीक है अब हम स्टूडेंट यहां पर डिस्कस करते हैं एक तरीके से डायग्राम की मदद से ये डायग्राम आपको तब बनाना है जब आपके एग्जाम पेपर में पांच नंबर में पूछा जाए शॉर्ट में पूछा जाए तो आपको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है दो नंबर में पूछा जाए तब आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे लेकिन पांच नंबर में पूछा जाए तो ये आपका जो पूरा वर्किंग ऑफ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है कैसे वर्क करता है उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा डायग्राम में ध्यान से देखेंगे सबसे पहले नीचे से फोकस करते हैं यहां पर एक लैंप होती है जो कि एक तरीके से लाइट का सोर्स होती है यहाँ पर सनलाइट भी आप यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं ये जो हमारा कंडेंसर लेंस होता है ये स्केटर्ड लाइट जो बिखरी हुई लाइट है जो लैम्प के सोर्स से आ रही है वो एक तरीके से डायरेक्टली इस पर फोकस करती है ऑब्जेक्ट पर जो हमारा स्पेसिमेन होता है इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है स्टूडेंट जो स्पेसिमेन के साइज को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है फिर उसके बाद यहाँ पर हमारी जो ऑक््युलर लेंस होती है वो उसको और भी ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाता है और ये हमारी फाइनल इमेज जो होती है हमारी आंखों से दिखाई देती है राइट right. तो ये इस तरीके से इसमें वर्किंग मैकेनिज्म है आगे बढ़ते है आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट आप और भी नोट डाउन करेंगे प्रकाश के सोर के सोर्स सोर्स से से यानी कि लाइट प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा वस्तु पर फोकस की जाती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव लेंस वस्तु का आवर्धित यानी कि मैग्नीफाइंग यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और आई पीस लेंस या जिसे हम स्टूडेंट ऑक्यूलर लेंस भी बोलते हैं जो हमारा ऑक्यूलर लेंस होता है वो प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित यानी कि और भी ज्यादा मैग्निफाइंग बड़ा करके दिखाता है लेंस ट्यूब को ऊपर या नीचे की ओर ले जा करके प्रतिबिंब को अधिक तीक्ष्ण या स्पष्ट करते हैं अब स्टूडेंट आप लोग फाइनली हेडिंग डाल लीजिए मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन यहां पर हम देखेंगे कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी आवर्धन क्षमता के बारे में तो देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है या आवर्धन क्षमता होती क्या है किसी भी माइक्रोस्कोप की एक ऐसी क्षमता जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आपने स्पेसिमेन लिया है जो आपने सैंपल लिया है उसे वो कितना बड़ा करके दिखा सकता है वही उसकी आवर्धन क्षमता होती है

नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे और कई बार ये पांच नंबर में भी आ जाता है तो वहां पर आपको डायग्राम की मदद से समझाना होगा सो so स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टाटा